नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। सरवणपुर के पास नहर पर पुल बनाने का कार्य जोरों पर है, मगर हमारा दुर्भाग्य कहें, जनता का दुर्भाग्य कहें, पुल बनाने से पहले ही पिलर टूट गया। ऐसी घटिया सामग्री लगाकर अगर पिलर बनाए जाएंगे, गार्डर बनाए जाएंगे, तो आम जनता की जान को खतरा बना रहेगा। कोई भी गाड़ी कभी भी इस पे पुल पे गिर कर सकती है और जनहानि मानहानि हो सकती है। NH के अधिकारी की घोर लापरवाही के चलते जो पिलर बनाए गए हैं, जो गाटर बनाए गए हैं, वह बहुत ही घटिया सामग्री के बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं पिलर रखने के बाद लोड नहीं संभाल सका, लोड तो ऊपर अब आया नहीं था, अपना ही लोड नहीं संभाल सका और भड़बड़ा कर नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही टूट गया। यह NH के अधिकारियों की लापरवाही का नमूना है। जो पिलर अभी रोड बनी नहीं, उससे पहले ही गिर गया। अगर पुल बना हुआ होता तो क्या हाल होता। नजीबाबाद के सरवणपुर के ग्रामवासियों का कहना है कि यह लोगों ने कई बार इसकी शिकायत करी, इसमें माल घटिया लगाया जा रहा है, मगर NH के अधिकारी जी भाई साहब, जो आप कहें जो पुल बन रहा था, ये इसका पिलर गिर गया, इसमें क्या कहेंगे आप? ये जो बीम इन्होंने रखा है जी, ये कल शाम इन्होंने रख दिया था जहाँ रखा जाना था, और ये दोनों क्रेन उसको लिए खड़ी थी अपने जो उनके तार वार वगैरह, और ये रात रात में अपने आप गिर कर टूट गया। पता नहीं कैसे हुआ, ये कितना मजबूत बना दिया था इन्होंने, ये हम निकल, और इसका उदाहरण आप खुद ही दे सकते हैं। सामने पड़ा हुआ टूटा हुआ, इसे आप देख लो कितना मजबूत ये बना रहे थे इसको। क्या जनता के से खिलवाड़ किया जा रहा है? यहाँ पर सरकारी पैसे की लूट हो रही है, अधिकारी बैठे हैं, वो अपना कमीशन वहीं ले ले, सरपंच आके देते ही नहीं है। हमारे गांव के सामने आधे से ज़्यादा जंगल पूरब की तरफ आ रहा है हमारा, और चार गांव हमारे गांव में आते हैं गन्ना इस वक्त कोऑपरेटिव सोसाइटी में खाद वाद लेने के लिए। हमारे गांव पर कोई क्रॉसिंग नहीं बना है इन्होंने। फिर कितनी दूर से चक्कर काट के आ रहे हैं वो? लगभग 1 किलोमीटर का चक्कर, या तो बाजीपुर से घूम के आवेंगे। हाँ, 1 किलोमीटर का चक्कर, 1.5 किलोमीटर का चक्कर तो काटना पड़ेगा, तब अपने गाँव में आवेंगे। आपने इसका विरोध नहीं किया? विरोध करने से कौन करा, हमको विरोध करेंगे तो ठाक आज को सरकार का तुम्हें पता रहे भैया जी, जो विरोध करेगा उसी को अंदर कर देंगे। तो सरकार की तानाशाही चल रही है बिल्कुल पूरी तरह से भाई। ये तो तुमने आज देखा होगा भाई साहब, जब किसान आंदोलन हुआ लोग 750 मर गए, फिर भी सरकार ने सुनकर नहीं दी। जब 2022 का चुनाव सिर्फ आ गया तब इन्होंने कहा कि हमारी तपस्या में कमी रहेगी, ऐसी तपस्या ये कर रहे हैं आप देख लो सामने। नाम आपका? अरविंद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सरवणपुर। ये आपके सामने जो पुल देख रहे हैं जो बन रहा था, ये क्या हुआ? ये रख रहे थे और रखते रखते ही टूट गया। रखते रखते ही टूट गया, रात रख दिया था इन्होंने। रात रख दिया था, अब फिर टूट गया, अपना आप फिर नीचे गिर गया। हाँ, तो इससे क्या हम महसूस कर रहे हैं? आप क्या, यहाँ के लोग जो यहाँ पर उस पर गुजरेंगे सुरक्षित रहेंगे? सुरक्षित कहाँ रहेंगे, ये तो दुर्घटना बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसमें माल नहीं लगाया जा रहा, क्या हो रहा? हाँ, इसमें आप चाहे देख लेना, वीडियो बना लो इसकी, इसमें माल लग कहाँ रहा है, ना सरिये दिखाई दे रहे हैं इसमें, बारीक बारीक सरिये लगा रखे हैं इसमें, मोटे सरिये नहीं। मतलब आम जनता की आम जनता के साथ तो खिलवाड़ ही है, ये तो गलत काम हो रहा ना बहुत। NH 74 पर काम कर रहे हैं लोग, हमने उनसे जानकारी करनी चाहिए, भैया कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई बताने को तैयार नहीं है। ये दोनों जो ड्राइवर हैं सरदार जा रहे हैं, दोनों क्रेनों के ड्राइवर हैं, और बता रहे थे दबी जवान ने बताया कि घटिया सामग्री लगी हुई है, जैसे ही हमने ऊपर इसको रखा और ये बीच में से लचका और नीचे गिरकर टूट गया। इन्होंने कैमरे के आगे आने से मना किया। ये पिलर आप देख रहे हैं, इसमें घटिया सामग्री लगी हुई है, जो पुल बनाने योग्य नहीं है, ना ही इस पर गाड़ी चल सकती है। इतनी घटिया सामग्री के पिलर यहाँ पर बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़।